पतरातू थाना क्षेत्र अंतर्गत टाकीसूद ग्राम भिगौर दामोदर नदी तट पर भारी मात्रा में अवैध खनन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार घाट पर लगभग 300 से भी ज्यादा ट्रैक्टर और दर्जनों 10 चक्का हाईवा घाट पर मिल जाएंगे। अवैध खनन के दौरान टाकीसूद रेलवे स्टेशन के समीप दर्जनों बालू स्टॉक देखा जा रहा है। सभी अलग अलग नाम से बोर्ड लगाकर अपना स्टॉक बनाए हुए हैं। देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसपास रेगिस्तान में जगह तब्दील हो गई हो। जानकारी के अनुसार ज्यादातर मात्रा में अवैध खनन हो रहे बालू एनटीपीसी पीवीयूएनएल में खपाया जा रहा है। वहीं रेलवे का बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, वहां भी बालू का उपयोग किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार टाकीसूद पतरातू प्रखंड का अंतिम सीमा है और ग्रामीण जंगल क्षेत्र से घिरा है, जिस कारण जिला प्रशासन का इस क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित नहीं हो पाता है। पत्रकार द्वारा ट्रैक्टर और हाईवा ड्राइवर से पूछे जाने पर कि किसके संरक्षण में खनन किया जा रहा है, उसका पता नहीं चल पाया। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन को रोकथाम हेतु लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। खबर 365 न्यूज के लिए रामगढ़ से मंसूर खान की रिपोर्ट। बालू कहाँ जा रहे हो यहाँ से? बालू जा रहे हैं। केकर काम हो रहे हो? नाजन से केकर काम हो, से मिला अपना अपन सब गिरा हुआ है। बालू कहाँ से स्टॉक कर रहे हो? बालू इधर से ही कांड में कर रहे हैं। कहाँ भेजे बालू? माइनिंग टास्क फोर्स का बैठक किया, मेरे द्वारा किया गया, जिसमें एसपी साहब भी उपस्थित थे। हम लोगों ने इसमें जो इलीगल माइनिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सख्ती अपनाने का डायरेक्शन दिया है। ख़ासतौर से अभी जब मानसून सीजन में आप सब जानते हैं कि एनजीटी के ऑर्डर के तहत बालू का खनन बंद रहता है, ऐसे समय में अगर बालू का अवैध खनन हो रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते हुए इसमें डीएमओ को अलग से स्पेशल टीम बना करके रेड करने और उसमें कड़ी कार्रवाई करने का डायरेक्शन दिया गया है। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।